हेलो दोस्तों वेलकम टू जिन सर्टिक दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिन सर्टिक पे दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उनत्तर हिस्सा शिक्षक भर्ती के में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय जगत में एन द्वारा फोर्थ चैनल सूची जारी कर दी गई लेकिन अभी तक जिला आवंटन सूची जारी नहीं हुई तो बात करते हैं जिला आवंटन सूची कब जारी होने की संभावना है और इसमें क्यों देरी हो रही है वही बात करते हैं हाईकोर्ट में मामला क्या है और सत्रह सीट ऐड करने का मैटर क्या है तो देखते हैं सब जानकारी इस, इस वीडियो में इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट अब तक पहुँचती रहे चलिए फिर वीडियो शो कर लेते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया उनहत्तर शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ आवंटन ठीक है इंतजार बढ़ा ओबीसी वर्ग के छः हज़ार अभ्यर्थी का रहे इंतजार चयन सूची पाँच जनवरी को जारी कर दी गई थी उनहत्तर हजार शीति में ओबीसी वर्ग के छः हज़ार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तो जारी कर दी गई लेकिन पाँच दिन बीत जाने के बाद भी जिला आवंटन जारी नहीं हो पाया है एनआईसी जिला आवंटन सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाया है चयन सूची पाँच जनों की जारी हुई थी ज़िला आवंटन के बाद काउंसलिंग होगी और इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगी दरअसल एन ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है ताकि कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो पाए शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मेरिट के चलते अपनी पसंद के जिले में नियुक्ति नहीं मिल पाई अब ऐसा देखा जा रहा है कि छः हज़ार भर्ती में नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट के मुताबिक ही जिला आवंटन हो और इससे पहले दो चरणों में नियुक्त हुए शिक्षकों के साथ अन्याय न हो कई शिक्षक भर्तियों में ऐसा हो चुका है कि कई चरणों में भर्ती होने के कारण कम का मेरिट वाले शिक्षकों को मन माफिक ज़िले मिल जाते हैं जबकि ज़्यादा मेरिट वाले शिक्षकों को उनके मन माफिक ज़िले नहीं मिलते हैं मसलन आठ सौ या पाँच सौ शिक्षक भर्ती के पहले चरण में पैंतालीस ऐसे शिक्षक चयनित हुए थे उन्हें पूरे प्रदेश में एक समान नियुक्ति करने के लिए सभी ज़िलों की सीटों का कटाव पैंतालीस हज़ार के मुताबिक निकाला गया था लेकिन बाद में जो शिक्षक चयनित होकर आए उन्हें मन के माफिक जिले में नियुक्ति मिल गई ऐसे में मामले न्यायालय में चले रहे हैं यानी यहाँ पर जो इनकी तरफ बताया गया है कि मेरिट सूची तैयार की जा रही है जिला आवंटन सूची तैयार की जा रही है लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार से तैयार की जा रही है कि ऐसा ना हो कहीं विवाद हो जाए क्योंकि एन अब किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत करना नहीं चाहता है क्योंकि इसमें पहले काफ़ी विवाद है इस वजह से एन चाहता है कि इस प्रकार से सूची तैयार की जाए ताकि किसी भी अभ्यर्थी का इसमें कुछ भी दिक्कत ना हो क्योंकि जो फर्स्ट चैन सूचाई की गई और सेकेंड चैन सचाई की गई उसमें यहाँ पर जो उस हिसाब से चैन सचाई होने के बाद जो जिला आवंटन सूची जारी की गई थी तो उसमें मेरिट के हिसाब से जिला आवंटन सूची जारी की गई लेकिन यहाँ पर जो है अब इसमें पद ऐड किए गए हैं तो अब इसमें किस प्रकार से मेरिट सूची तैयार करना है ये एन आई सोच रहा है कि यहाँ पर जो है ऐसा ना हो कि हम मेरिट सूची तैयार की जाए और यहाँ पर जो है कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को मन माफी जिला मिल जाए और बाद में यहाँ पर जो है ये अभ्यर्थी जो जो फर्स्ट सूची और सेकेंड सूची में चयनित हुए हैं वो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाए इस वजह से एन बहुत ही फूक फूक कदम रख रहा है ताकि यहाँ पर जो है ऐसा ना हो मामला बाद में कोर्ट में चला जाए यानी एन द्वारा इस पर काम चालू है और फार्मूला तैयार किया जा रहा है एन नहीं चाहता इस बार किसी का कुछ भी दिक्कत हो इसलिए ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो वो चाहे फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग वाले हो चाहे वो थर्ड काउंसलिंग वाले हो या फिर जो फोर्थ काउंसलिंग होने वाली है उनके हो ठीक है इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से सूची तैयार की जा रही है कि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो बाद में ऐसा न हो मैटर कोर्ट में चला जाए तो दोस्तों, आपको घरवाले वाली बात नहीं है आपको जो चयन सूची जारी होने वाली है दोस्तों जैसे ही यहाँ पर फार्मूला तैयार हो जाता है यानी की तरफ से तो आपको इसके बाद आपकी जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी और शेड्यूल जारी कर दी जाएगा जल्दी आपकी जो है ज़िला आवंटन सूची और शेड्यूल जारी होने की संभावना है वहीं बात करते हैं हाई कोर्ट का मामला क्या दोस्तों हाई कोर्ट में कल इसकी सुनवाई थी ठीक है लेकिन यहाँ पर जो कल ज़्यादातर सुनवाई नहीं होनी कराना यहाँ पर जो आपकी अगली डेट है वो लगा दी गई कल यानी यहाँ पर जो है आपकी अगली डेट है बारह तारीख लगा दी गई है और यहाँ पर जो कुछ अभ्यर्थी इनका कहना है कि यहाँ पर जो इसमें जो सीटों संख्या दी गई वो बहुत ही कम दी गई है और इसमें सीटों संख्या कम से कम अभी सत्रह से अठारह हज़ार सीट जोड़ करके यहाँ पर जो है फिफ्थ काउंसिलिंग करा ली जाए या यहाँ पर जो फोर्थ काउंसिलिंग के बाद यहाँ पर जो है फिफ्थ काउंसलिंग भी करा ली जाए तो अभ्यर्थियों की मांग है कि यहाँ पर जो है कम से कम इसमें सत्रह से अठारह सीटें तो घोटाला हुआ है लेकिन यहाँ पर अब जो सरकार द्वारा सीटें बहुत ही कम दी गई इसलिए अभ्यर्थी यहाँ पर जो कोर्ट भी चले गए हैं लेकिन कोर्ट की तरफ से इसमें किसी प्रकार का कुछ भी स्टे नहीं लगाया गया है इसलिए घबराने वाली बात नहीं है आपकी चयन सूची मेरिट सूची जल्दी जारी होने वाली है और जल्दी आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाए हो सकता है इसी सप्ताह के अंदर सब कुछ आपका हो जाए और नियुक्ति पत्र भी मिल जाए तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है उनत्तर ज्यादा शिक्षकवर्ती में जब फर्स्ट चयन सूची जारी की गई थी तो उसके बाद भी मैट्रिक कोर्ट में चला गया था और यहाँ पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई थी लेकिन बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी हुई और नियुक्ति पत्र भी निर्गत किए गए थे तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है आपकी चयन सूची मेरिट सूची जारी कर दी गई है और आपकी जिला आवंटन सूची जल्दी ही जारी होने वाली है दोस्तों दाय बयान रखें पार्टी सूची दोस्तों ये था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आगे वीडियो पसंद तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक तो पहुंचती रहे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग इन सा